तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड लगातार पड़ रही है और लोगों का जनजीवन भी काफी अस्त व्यस्त हो चला है, क्योंकि कोहरे की चादर होने की वजह से यातायात के चलते भी लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं जहां कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ रही है। सफदरजंग इलाके की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और अगर बात करें पालम की तो 2.9 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कोहरा है और कम विजिबिलिटी के चलते यातायात भी प्रभावित हो रहा है। वाहनों की रफ्तार काफी कम हुई है और कई उड़ानों की आवाजाही पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। वायुमार्ग की बात कर रहे हैं, घने कोहरे के चलते ट्रेनों की बात करें तो 30 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं जो कि देरी से चल रही हैं ये सभी ट्रेनें। तो इस तरह से आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर पूरा कड़ाके की ठंड की चपेट में आ चुका है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है।